भाभी है तेरी बुरी नजर से क्या देख रहे हो? बनी बन जाएगी। अबे डमरू भाभी कहाँ गई? मैं का पता। अबे ढूंढ चल के साले। डमरू यार एक तो लड़की पसंद आई थी, वो भी पता नहीं कहाँ चली गई यार। अरे भैया जी धीरज रखिए ना, मिल जाएगी भाभी। पर धीरज से तो लड़ाई हो रखी है ना। अरे भैया जी वो वाला धीरज नहीं, धैर्य वाला धीरज। भैया जी भाभी कहाँ? भैया जी हमारी आंखों से देखिए ना। मैं तो कहता हूँ भैया जी आज आप अपने दिल की बात बोल ही डालिए। नहीं यार मेरे को डर लगता है। मैं नहीं। अरे भैया जी इसमें इतना डरने की क्या बात है, भाभी भी तो आपसे प्यार करती है ना। वो कैसे? अरे भैया जी जब आप भाभी को देखते हो तो भाभी भी तो आपको देखती है ना। और भैया जी अगर भाभी जी आपसे प्यार करती ही नहीं तो आपको देखती क्यों? मैं तो कहता हूँ बोल डाले दिल की बात। नहीं यार डमरू मेरे को तो बहुत डर लगता है यार। भैया जी अगर आप नहीं गए ना गंगा मैया की तो हम जा रहे हैं फिर भाभी के पास। नहीं 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 रुजा रुजा मैं ट्राई करता चल। मैं चाहिए ना भैया जी, चाहिए जाओ ना भैया जी, जाओ ना पक्का यार। एक्सक्यूज मी यार, मैं ना आपको काफी दिनों से नोटिस कर रहा हूँ और आप मेरे को बहुत पसंद हो और शायद मैं आपको प्यार करने लगा हूँ। आप मेरी गर्लफ्रेंड बनोगे? गर्लफ्रेंड और प्यार तुमने सपने में भी कैसे सोचा? अपनी औकात के हिसाब से अपनी गर्लफ्रेंड बनाओ और जो मेरा बॉयफ्रेंड होगा ना उसका एक अलग ही स्टेटस होगा। सिली पीपल। ले गए थे ना तुम? ठीक तो? हाँ भैया मैं ठीक हूँ। कुछ परेशान से लग रहे हो? नहीं भैया मैं ठीक हूँ। एक मिनट रुको। लो पानी पियो। अब बताओ क्या हुआ? भैया मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था और वो मुझे धोखा दे के चली गई। भैया मुझे राघव सर मिले। और तू उस लड़की के लिए अपनी जान देने जा रहा था, कभी तूने सोचा है जो तू करने जा रहा है इसका तेरे माँ बाप पे क्या असर पड़ेगा? उस लड़की से प्यार करता है तो पहले उसके लायक बन। इंसान जिंदगी में जितना बड़ा सोचता है ना उतना ही बड़ा बन भी सकता है। कई काम करते हो? कितनी क्वालिफिकेशन है तुम्हारी? सर ग्रेजुएट। काम करना चाहते हो?
ये लो मेरा कार्ड, कल 10 बजे इस पते पे आके मिलना। गॉड ब्लेस यू। राघव सर ने मेरे को इस कंपनी के अंदर जॉब दी। अपनी जो नई पोस्ट है उसके लिए कैसा रहेगा? हाँ ठीक है, इसे देखो। ठीक है। और मेरे डे बाय डे हार्ड वर्क और मेरे डेडिकेशन के कारण मुझे इस मुकाम पर ला दिया। थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे ऊपर एहसान किया। मैं एहसान की कोई बात नहीं मित्र, ये तुम्हारे हार्ड वर्क और डेडिकेशन की वजह से। यार आज जो कुछ हूँ ना मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। अगर उस दिन तुम मेरे को मेरी औकात ना दिखाते ना तो शायद मैं आज इस मुकाम पर ना होता। मैंने तुम्हारे रिजेक्शन को एक सही डायरेक्शन दी और आज जो कुछ भी हूँ तुम्हारे सामने हूँ। तो अब मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड बनने के लायक हूँ। हाँ भाई, भगवान को जब तुम्हारी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव करना होता ना तो ऐसे लोगों को भेजता है जो लोग आकर तुम्हारी बेइज्जती करते हैं, पर तुम्हें इन्हें नेगेटिव नहीं पॉजिटिव वे में लेना है। यार मैंने आपको जानबूझकर टच नहीं करा यार, आप भी फोन के अंदर बिजी हो ना ही फोन पे बात कर रहा था, गलती से होगा। बदतमीज जमाल लड़ाता है, अपनी औकात देखी है, लड़की देखते हुए चेप हो जाते हो, मेरी 5,000 की ड्रेस खराब कर दी, अब शक्ल क्या देख रहा है, निकल यहाँ से। यार हम ना इस बार ना गोवा चलते हैं यार। अरे यार भाई कितनी बार जाएगा गोवा, अभी तो गए थे थोड़े दिन पहले, अब की बार तो बाली जाएंगे। अरे अरे गाइस गाइस रुको रुको रुको, मैं जिस गरीब के बारे में कल बात कर रही थी ना, देखो हो रहा। चलो यार इसके मजे लेते हैं, आ जाओ। चलो चलो। अरे भाई इस पटाखू को तो देखो, पढ़ाई चल रही है। यू नो तुम जैसे गरीब होगा ना किसी भी चीज पे हक नहीं होना चाहिए, ना खाने पर, ना पीने पर और ना ही पढ़ाई पर। मैं तो मोदी जी से एक बात कहना चाहूंगी, अगर दुनिया में से गरीबी को हटाना है ना तो इन जैसे गरीबों को मार देना चाहिए। ना बचेगी गरीबी ना रहेंगे गरीब। बाबा बोला मुझ गरीब के खून में भी एक अलग ही मिठास है, जिस अमीर को देखो बस पीने आ जाता है। क्या हुआ, अर्जेंट में बुलाया मुझे, और तू बड़ी उदास उदास ही क्यों लग रही है यार? क्या बताऊं तुझे, उस टाइम पहले मेरी डैड की हालत बहुत खराब हो गई थी जिससे हमारा सारा बिजनेस लॉस में चला गया था, और अब हालत इतने बुरे हैं कि मुझे जॉब की बहुत अर्जेंट नीड है यार। अच्छा रुक, ये मेरा फ्रेंड है, ये कंपनी में वर्क करता है, जहां एम्प्लॉइज की नीड है,
तू जाके इंटरव्यू देके देख, क्या पता तेरी जॉब लग जाए। ठीक है, थैंक यू यार। ओके। मैं कम इन सर। यस मैम। तुम बब्बा बोड़ा, इतनी तरक्की कर ली क्या? आज ये अमीर लोग भी हमारे पास नौकरी मांगने आ रहे हैं। यार तुम यहाँ कैसे? यार नहीं सर। क्या हुआ नितिन, इतना परेशान होते घर पे कैसे आया? यार तेरे को तो मेरे घर के हालात पता ही है, इतना पढ़ लिख लिया पापा ने, सारा पैसा मेरी पढ़ाई पे लगा लिया, उसके बाद भी मेरे को नौकरी नहीं मिल पा रही यार, घर के हालात बहुत खराब चल रहे हैं। अरे यार तू टेंशन मत ले, इन बातों छोड़, पानी पी पहले। बलवान। हाँ जी मालिक। दो गिलास पानी लेते यार। जी मालिक। एक बंदा है मेरी नजर में, उससे तेरा काम बन जाए तो बात कर ले। तू कार दे देता हूँ मैं तेरे से, इससे बात कर ले, तेरा काम बन जाए मेरे बता, हो जाएगा। ठीक है यार, ले चिंता मत कर तू। उसके बाद अपने दोस्त के कहने पर मैं बिनू सर से मिला। मुझे आपकी प्रोफाइल बहुत पसंद आई, बस मेरी सिर्फ इतनी सी डिमांड है, जो मेरी कंपनी लॉस में चल रही है ये न्यूटन ब्रेम में आ जाए। ठीक है सर, मेरी पूरी कोशिश है कि इस कंपनी को न्यूटन से प्रॉफिट में लेकर जाने की, अपनी तरफ से मैं पूरा ट्राई करूंगा। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। तो ठीक है, कल से ज्वाइन कर लेना एंड मेरा पी आपको सारी बातें बता देगा। ठीक है, थैंक यू सर। अपने हार्ड वर्क और अपने सुपर पॉलिसी की बदौलत लॉस में चल रही इस कंपनी को मैंने प्रॉफिट में स्टैंड किया। जी सर। ग्रेट, हमने लास्ट 3 ईयर में इतना अच्छा प्रॉफिट अर्न किया है और मैं चाहता हूँ कि मैं अब इस बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पे ग्रो कराऊं, तो आज से इंडिया का बिजनेस तुम संभालोगे और आउट ऑफ इंडिया का मैं। ओके ओके यार, मुझे माफ कर दो उस दिन के लिए, मुझे इस जॉब की बहुत ज्यादा नीड है। माफ क्या बोला था उस दिन? गरीब गंदगी। मैडम ये गंदगी तो महल वाले फैलाते हैं, वरना गरीब तो रोड से थैली तक उठा लेता है, और जिनको तुम गरीब और गंदगी कहते हो ना, उन्हीं गरीब के हाथों में छाले रहते हैं, जिनकी वजह से आबाद ये महल वाले रहते हैं। और यार अगर शायद तुम पैसों से गरीब होते ना तो मैं तुम्हें ये जॉब दे देता, पर यार तुम तो दिल से ही गरीब हो। सो गेट आउट सर, प्लीज गेट आउट। तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके? तो यार वीडियो तो आपने देख ली होगी दोनों, तो ये बताओ आपको कौन सी वीडियो अच्छी लगी? एक वीडियो में मैंने लड़की को एक्सेप्ट करा है, एक मैंने उसको रिजेक्ट करा है, तो आपके हिसाब से कौन सी वाली ठीक थी वीडियो? कमेंट करके बताओ कि मैंने ठीक करा है नहीं करा, किस मतलब किस पार्ट में ठीक करा है। और इसके साथ में वीडियो को लाइक करते ना, बड़ी मोटिवेशन मिलती है। और वैसे आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है, इसकी वजह से नई वीडियो शूट नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे ये लॉकडाउन खत्म होता है बहुत खतरनाक वीडियो आने वाली है, आने वाले प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया है अच्छे लेवल के। और साथ में मेरे को यार इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो जरूर कर लेना, आजकल मैं वहाँ पे लाइव आ रहा हूँ, और मेरे से अगर बातें करनी है तो वहाँ पर आ जाना। बाय, लव यू।